Very good. अरे वाह रीटा चाची, एकदम एकदम ब्रांड न्यू लुक। हाँ मेकओवर ने तो भूतों वाले इंजेक्शन से भी अच्छा काम कर दिया। भाभी ये क्या गजब ढा रही हो आप? अपने इन देवरों को क्लीन बोल करने का इरादा है क्या? चुप कर बेशरम। अरे बेशरम क्यों? देवर भाभी का रिश्ता है, मजाक करने का पूरा हक है। क्यों भाभी? ये मम्मा है? लगती तो मम्मा जैसे ही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आइए, आप इधर बैठिए। इधर आइए सोफे, आप आराम से बैठिए। माँ जिस दिन से बापूजी आश्रम गए ना, उस दिन से तुम अपने परिवार को सिर्फ सदमा ही देते जा रही हो और कुछ नहीं। ये तू कैसी बातें कर रहा है परिमल? तुझे तकलीफ क्या है? अगर वो लड़की अपने दुखों को भूल कर जीवन में कुछ करना चाहती है तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। अगर रीता का दुख कम हो तो मैं उसके लिए खुश होऊंगा, पर इस घर की मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं। इस घर की मर्यादा का उल्लंघन तेरे भाई ने किया है परिमल। इस घर की मर्यादा का उल्लंघन मेरे बेटे ने किया है, निरंजन ने किया है इस घर की मर्यादा का उल्लंघन। जो निरंजन ने किया है ना, उससे मर्यादा का उल्लंघन कहते हैं परिमल। और जो रीता करने जा रही है उसे मुसीबतों का सामना करना कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं। मुसीबतों का सामना ना, और कोई तरीका नहीं है क्या? रीता और कोई काम नहीं कर सकती? अगर रीता कुछ और काम करना चाहती तो मैं उसमें भी उसका इसी तरह साथ देती, लेकिन रीता का बचपन से यही सपना था कि वो एक्टर बने। मिस्टर समीर मेहता, आपने इस कैफे के छोटे से स्टूडियो को रेंट पर लिया है, इस कैफे को नहीं, इसलिए अब से आप उस स्टूडियो से बाहर नहीं आएंगे, ओके? लेकिन ये कैफेटेरिया है, यहाँ जो जब चाहे आ सकता है, तो फिर सैम क्यों नहीं? वो इसलिए मैडम क्योंकि इस लड़के के आने से
आपका ध्यान काम से हटने लगता है और उससे इस कैफे को नुकसान होने की भारी संभावना हो सकती है। हीट्स की वजह से इस कैफे का कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको भी जुम्मा जुम्मा दो दिन हुए ये कैफे ज्वाइन करे, हीट्स ने अकेले कैफे खड़ा करा है ना हीट्स? Yes. सच में चाची, रीता में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मैं भी यही सोच रही थी गायत्री, सिर्फ बाल कटाने से और कपड़े चेंज करने से कितना फर्क आ गया ना उसमें। ओहो चाची, मैं उस फर्क की नहीं बल्कि उसके मूड में जो फर्क आया है उसकी बात कर रही थी। वो अचानक कितनी खुश दिखने लगी है ना। सच कह रही है गायत्री, कितनी उदास उदास रहती थी वो, उसे देख के तो बच्चियां भी उदास हो जाती थी, लेकिन आज देखो बच्चे भी बड़े खुश हैं और रीता भी। वैसे चाची, रीता बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी ना, आई नहीं अभी तक वापस? अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। कह रही थी पलक और बीजल के टीचर्स भी उसका बदला हुआ रूप देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी, और जैसे उन्हें पता चला कि वो दोबारा एक्टर बनने की कोशिश करने वाली है तो सबके सब कहने लगे कि अभी से ऑटोग्राफ दे देना। अगर उदय यहाँ होता ना तो कहता वाह चाची आप तो छा गए। बहुत अच्छा किया समीर जो तुम मुझसे मिलने आ गए। तुम्हारे और हेतल की वैलेंटाइन नाइट की स्टोरी सुनने के बाद तो मेरी हेतल को लेके टेंशन और बढ़ गई है। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है थी? मैंने आपको फोन पे बताया तो था कि इट वेंट गुड, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ पर अधूरा हुआ, ये तो आधी अधूरी खुशी मिलने की बात हुई ना समीर। तुमने हेतल को समझाया क्यों नहीं? उसे कहते ना कि ऑलरेडी 6 साल बीत चुके हैं और कितना वेट करना चाहती है वो। मैं हेतल की खुशी के बिना उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। अगर हेतल वेट करना चाहती है तो मैं वेट करूंगा, वो जब तक कहेगी मैं तब तक वेट करूंगा। वो मेरे सामने है, मेरे साथ है, और मुझे क्या चाहिए? अगर जबरदस्ती की डेस्परेशन दिखाऊंगा तो वो और सफोकेट हो जाएगी और दूर चली जाएगी मुझसे। You're right, समीर। फोर्स करने से बात बिगड़ जाएगी। सैम की मीटिंग बड़ी लंबी चली है ना, इतनी याद आ रही है तो फोन करके पूछ लेना कहाँ है, कब आएगा तेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड, व्हाट डू यू मीन? डोंट रिएक्ट। वैसे भी तुम दोनों की वो वैलेंटाइन वाली रात के बाद तुम दोनों डेट तो कर ही रहे हो ना, तो वो तेरा बॉयफ्रेंड ही तो हुआ। प्राचीन, मैंने तुझे पूरी स्टोरी डिटेल में बताई फिर भी? हाँ याद है याद है, तुम दोनों की वो वैलेंटाइन वाली रोमांटिक नाइट जहाँ तुम दोनों ने अपनी ट्रू फीलिंग शेयर की और सैम ने टिल इटर्निटी यानी कि ता कयामत तेरा इंतजार करने का वादा किया, विच मीन्स कुछ ना होते हुए भी तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना, तो ये भी तो एक यूनिक टाइप की डेटिंग ही हुई ना। कोई डेटिंग नहीं कर रहे मैं और सैम, वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स। ओ खोपचे में कुची कू करने वाले फ्रेंड्स? खोपचा, हाउ चीप इज दैट प्राची। ओके थोड़ा क्लास ऐड करके बोलती हूँ, तुम दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो क्या? राइट? नॉट राइट, ना तो हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं और ना ही खोपचे वाले फ्रेंड्स। वैसे खोपचे में कुची कू करने का मजा ही कुछ होता है, तो फिर ट्राई करके देखना। इतनी सी है तू, जो बोलूंगा वो करेगी। अब तो तुझ पे इतना भरोसा है कि तू जो भी बोलेगा वो आग बंद करके फौरन कर दूंगी। रियली? अगर तू सच में मुझ पे ट्रस्ट करती है, मेरी बात मान के अपनी दी से पैचअप कर ले,